हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है। गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की। गाइस इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था गोली पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र और लेंस मेकर सूत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग पर आधारित जो न्यूमेरिकल है आपके एग्जाम में। ये जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आज जितने प्रश्न बताए जाएंगे सारे प्रश्न पूछे गए हैं, ऐसे ही आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। तो आज हम उन्हीं सभी प्रश्नों को सॉल्व करने वाले प्यारे बच्चों। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नया आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में वीडियो पसंद आता है को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। स्क्रीन पे सबसे फर्स्ट नंबर सवाल आपको दिखाई पड़ रहा होगा, आप सवाल को देखिए और लगाने का सबसे पहला प्रयास आपका होना चाहिए प्यारे बच्चों। फिर हम बात करते हैं, देखते हैं, हम भी देख लें प्रश्न क्या कह रहा है। तो गाइस स्क्रीन पे जो सबसे पहला सवाल आपको इस समय दिखाई पड़ रहा है वो क्या कह रहा है उसे ध्यान से देखिए। वो कह रहा है एक लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसे 1.3 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाने पर इसकी फोकस दूरी क्या होगी, यह पूछा है। तो एक बार फिर से आप ध्यान से देख लो, बस एक बार क्यों, आपके हिंट के लिए यह दिया है कांच का अपवर्तनांक। आपको ध्यान देना है कि कांच का जो अपवर्तनांक है वो 1.3 होता है। कांच का जो अपवर्तनांक है वो 1.3 है, ठीक, ध्यान से। और जो जिस द्रव में डुबोगे और जो द्रव है वो द्रव का अपवर्तनांक कितना है, सॉरी 1.3 नहीं 1.5 है। और जो द्रव का अपवर्तनांक है, द्रव का अपवर्तनांक वो भी 1.3 है, ठीक। यही अब क्या कह रहा है कि भाई इस एक लेंस की जो फोकस दूरी है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर। वायु में लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी। फोकस दूरी f बराबर कितना है, 20 सेमी। अब जब द्रव में डुबोने पर लेंस की फोकस दूरी f डैश ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों आइए हम पतले लेंस के सूत्र का उपयोग करेंगे। पतले लेंस के सूत्र का प्रयोग क्या होता है कि लेंस के सूत्र 1/f, लेंस मेकर सूत्र आपने पढ़ा होगा, 1/f बराबर क्या पढ़ाया गया था, n-1, फिर उसके बाद 1/r1 - 1/r2। इस बात को ध्यान देना, ठीक। अब देखिए गाइस, ध्यान से अगर देख पा रहे होंगे तो f की वैल्यू दिया गया है प्यारे बच्चों, f की वैल्यू 20 है। 1/20 बराबर n की वैल्यू, इस बार अभी द्रव में आपने नहीं डुबोया है तो n की वैल्यू 1.5 है, माइनस क्या हो जाएगा 1, कोष्टक में 1/r1 - 1/r2, ठीक। अब देखिए 1/20 प्यारे बच्चों, तो 1/20 1.5 में से एक घटा दोगे तो 0.5, कोष्टक में 1/r1 - 1/r2, समीकरण नंबर प्यारे बच्चों 1 बन गया। अब जब हम इसी कांच वाले लेंस को द्रव में डुबो देते हैं तो द्रव में डुबोने पर, सेकेंड स्थिति, द्रव में जब डुबोएंगे तो क्या होगी, जो फोकस दूरी होगी वो एफ डैश हो जाएगी, बराबर क्या होगा n के स्थान पे प्यारे बच्चों। अब जिसमें डुबो रहे हैं वो आपका द्वितीय माध्यम हो जाएगा और जो आपका पहला था वो पहला हो जाएगा। तो n के स्थान पे हम यहाँ पर रख सकते हैं प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, जहाँ यहाँ देखिए जहाँ n है वहाँ पर हो जाएगा पहले वायु का था,
अब आपने जिसमें डुबोया उसका अपवर्तनांक लिखेंगे और -1 ठीक। अब बटे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, अब आगे क्या है 1/r1 और माइनस क्या हो जाएगा 1/r2 हो जाएगा ठीक। समीकरण नंबर चाहो तो आप क्या बना सकते हैं, अभी एक मिनट एक स्टेप और हल कर लो बस। देखिए ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा तो 1/f' बराबर यहाँ आ जाएगा 15 ठीक, और यहाँ अगर इसको हम हल करेंगे तो 15 - 13/ कितना आ जाएगा 13 ठीक, बड़ा यहाँ आ जाएगा 1/r1 - 1/r2 ठीक। अब हम क्या करते हैं, इधर देखिए आगे इधर देखते हैं, 15 में से 13 घटा दे तो 2/13 आ जाएगा, 1/f' बराबर 2/13 और आगे क्या है 1/r1 - 1/r2। समीकरण नंबर 2, अब देखिए समीकरण 1/समीकरण 2 हमको एफ डैश ज्ञात करना है तो एफ डैश ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 को 2 में भाग दे देते हैं, तो समीकरण 1/समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 क्या है, ये है 1/20 ठीक, बटे ये समीकरण 2 का भाग है 1/f'। अब एफ डैश ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा बराबर, समीकरण 1 ये है आपका 0.5 पूरे के बटे ठीक, यहाँ है 2/13 जहाँ जो है वही भाग देना प्यारे बच्चों, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा ठीक। अब ये 13 आपका ऊपर पहुँच जाएगा, ये 13 आपका ऊपर जाएगा, और समीकरण 1 में ये है 1/r1 - 1/r2 और समीकरण 2 में भी 1/r1 - 1/r2 था। अब आप देखिए ये सेम कर जाएंगे ठीक, अब एफ डैश ऊपर पहुंच जाएगा 20 नीचे आ जाएगा, एफ डैश बटे 20 बराबर 13 का गुना ऊपर हो जाएगा तो 13 × 65 तो 6.5 आ जाएगा बटे 2 ठीक, और वो पूरा कट चुका है। अब ध्यान से देखिए अगर हम ये पॉइंट कटाएंगे तो यहाँ 0 लग जाएगा प्यारे बच्चों, ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, एफ डैश बराबर 65 सेंटीमीटर, यानी जो फोकस दूरी पहले क्या थी 20 सेंटीमीटर थी, जैसे ही हम लोग उसको द्रव में डुबो देंगे तो नई फोकस दूरी कितनी आ जाएगी 65 सेंटीमीटर आ जाएगी। एक बार हम लोग इसका आंसर जरूर मैच कराते हैं प्यारे बच्चों, तब आगे बढ़ते हैं जी। बिल्कुल आपका जो नया आंसर आया है, जब हम लोग कांच को द्रव में डुबो दिए तो उस समय जो फोकस दूरी आई वो 65 सेंटीमीटर आया। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका फर्स्ट सवाल कंप्लीट होता है, उम्मीद है कि आपको फर्स्ट सवाल जरूर समझ में आया होगा। अब जो हम दूसरे सवाल की चर्चा करेंगे वो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है प्यारे बच्चों, अब किस सत्र पूछा गया है वो इसमें जो है कट गया है, किस सत्र का है, परंतु इस बात को ध्यान दीजिएगा कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। आइए हम देखते हैं, तो गाइस दूसरा प्रश्न आपको इस समय स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, क्या कह रहा है, 1.5 अपवर्तनांक वाले एक पतले समतल उत्तल लेंस, एक पतले समतल उत्तल लेंस मतलब पहला समतल है फिर कौन है भैया, दूसरा उत्तल है ठीक, लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यानी अगर हम बात करें समतल उत्तल लेंस की तो ऐसे कुछ हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों, ऐसे समतल उत्तल लेंस ठीक। तो समतल उत्तल लेंस के लिए बात हो रही है यहां पर, समतल उत्तल लेंस क्या कहता है वो ध्यान दीजिए, तो जो समतल उत्तल लेंस है वो पहला पृष्ठ समतल होगा, दूसरा पृष्ठ क्या होगा उत्तल होगा, तो जो समतल पृष्ठ है उसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी प्यारे बच्चों, समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या यानी R1, समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या R1 मान लेते हैं जो कि भैया अनंत होगी प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। आगे क्या कर रहा है कि 1.5 अपवर्तनांक यानी n की वैल्यू यानी इनका जो अपवर्तनांक है 1.5 है। आगे कर रहा है उत्तल समतल उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो कितनी 20 सेंटीमीटर, यानी इन दोनों लेंस को मिला के जो आपने समतल उत्तल लेंस बनाया है इसकी फोकस दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर है।
तो आपको आगे कह रहा है आपको R2 ज्ञात करने के लिए, यानी उत्तल लेंस की आगे क्या कह रहा है, इस लेंस के वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। वक्र पृष्ठ की मतलब प्यारे बच्चों जो ये वक्र नुमा है यानी उत्तल लेंस है उसकी वक्रता त्रिज्या बताना है। इसकी वक्रता त्रिज्या प्यारे बच्चों इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या आर1 है और इस वाले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या आर2 है। तो यही आर2 ही हमको यहां पर बताना है, यही आर2 ही ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। तो आइए हम लोग देखते हैं आराम से इस सवाल को हल करेंगे प्यारे बच्चों। और ये यूपी बोर्ड 2007 और 2 इस सेशन में पूछा और बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए क्या है, अगर हम लेंस मेकर सूत्र का उपयोग करें तो लेंस मेकर सूत्र क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। लेंस मेकर सूत्र से प्यारे बच्चों एक बटे यफ बराबर एन माइनस वन कोष्टक में वन अपान आर वन माइनस वन अपान आर टू। क्या ये बात इतनी क्लियर हुई प्यारे बच्चों? जी बिल्कुल होनी चाहिए। अब एन की वैल्यू यहाँ 1.5 है, माइनस वन कर दे रहे हैं वन अपान आर वन, तो आर वन की वैल्यू तो कितनी है प्यारे बच्चों, इनफाइनाइट है, माइनस एक बटे आर टू कर देते हैं। अब देखिएगा एक बटे यफ, यफ की वैल्यू कितनी है, 20 है, यही है ना, 20 दिया है। अब ध्यान से देखिए अगले स्टेप में एक बटे 20 बराबर 1.5 में से एक घटा देंगे तो 0.5 आ जाएगा। आगे इसकी कोई मतलब ही नहीं है, आगे यहाँ पर आपके पास आ जाएगा केवल एक बटे आर टू, ठीक। अब ध्यान से देखिए माइनस, ठीक। अब अगर हम पॉइंट का गुणा यहाँ पर कर दें, आगे स्टेप बाई स्टेप हल करें, तो इधर आ जाएगा एक बटे 20, इधर आ जाएगा पॉइंट कटाएंगे तो बटे 10 आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो 5/10 गुणे क्या हो जाएगा, 1/r2, ठीक, वो भी माइनस में। तो 10 × 10, 10 × 20, ठीक, और 5 × 10, तो ध्यान से देखिएगा तो r2 बराबर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, -10 सेंटीमीटर। r2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए R2 जो होगा वो क्या होगा, 10 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या जो आएगी प्यारे बच्चों वो कितनी आएगी, 10 सेंटीमीटर आएगा। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपकी जो वक्रता त्रिज्या है वो आपको 10 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। फिर हम बात करेंगे अब प्रश्न नंबर 3 की, जो कि वो आपको स्क्रीन पे इस समय दिखाई पड़ रहा होगा। और गाइस अगर हम बात करें कि ये 2013 और साथ में 2010 में ये क्वेश्चन पुटअप किया गया, क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा, एकदम बढ़िया सवाल है। एक उभय उत्तल, उभयोत्तल का मतलब होता है जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल हो भैया, और दोनों की वक्रता त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर है। यानी सोचिए अब हम उभयोत्तल की बात करें तो ये उभयोत्तल होता है। अगर एक की वक्रता त्रिज्या मान लीजिए इसकी पहले पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या होगी प्यारे बच्चों वो इधर होगी, ये R1 होगा, और जो दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होगी वो ये होगी R2। और दोनों की वक्रता त्रिज्या तो लिख लेते हैं, तो पहले पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या अगर वो R1 है वो आपका प्लस होगा और R2 क्या होगा, माइनस होगा। तो R1 जो होगी वो 20 सेंटीमीटर होगा, तो प्लस होगा, और जो R2 है वो -20 सेंटीमीटर होगा प्यारे बच्चों, ठीक। ये दाएं तरफ है, ये बाएं तरफ है, ध्यान से। आगे अब क्या करा आगे कि, और तथा लेंस के कांच का अपवर्तनांक जो ये n है वो n की वैल्यू यहाँ 1.5 दिया गया है। तो आगे करा लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, अर्थात f ज्ञात करने के लिए बोल रहा है प्यारे बच्चों। तो लेंस के मेकर सूत्र उपयोग करेंगे, लेंस के मेकर सूत्र से, या लेंस मेकर सूत्र से। लेंस मेकर सूत्र क्या कहता है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, कहता है 1/f बराबर एन माइनस वन कोष्टक में 1/r1 − 1/r2, ठीक। चलिए अब 1/f नहीं पता है, एन की वैल्यू पता है 1.5, एक माइनस करेंगे फिर कोष्टक में 1/r1, तो r1 की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, 20 है, R1 की वैल्यू 20 है, माइनस 1/r2, तो R2 की भी वैल्यू 20 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो 1/f 1.5 में से एक घटाएंगे तो 0.5 आ जाएगा, और यहाँ तो
तो 1/20 आएगा प्लस 1/20 आएगा प्यारे बच्चों, ये पॉइंट कटाएंगे तो 10/10 लग जाएगा। तो 1/f बराबर 5/10 बचा है, हर बराबर है तो अंश जुड़ जाएगा, 2/ क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 1 जुड़ के 2/20, 2 1 के 2, 2 10 में 20, ठीक। अब 5 1 के 5, 5 2 10, तो 10 2 20, तो 1/f बराबर 1/20 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो लास्ट जो उत्तर आएगा प्यारे बच्चों वो आपको यहाँ मिलेगा f बराबर 20 सेंटीमीटर, यानी जो आपने उभय उत्तल बनाया था उस उभय उत्तल की जो फोकस दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है। इस प्रकार आपका दूसरा और तीसरा दोनों कंप्लीट होते हैं। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। फिर हम बातें करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। तो गाइस प्रश्न नंबर 4 आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, 2017 और 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक उभयोत्तल लेंस, एक उभयोत्तल, उभयोत्तल का मतलब अभी हमने पिछले वाले सवाल में चर्चा किया था, एक ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल हो, 1.5 अपवर्तनांक कांच से बना है, 1.5 मतलब प्यारे बच्चों कांच का जो अपवर्तनांक है, कांच का जो अपवर्तनांक है वो आपको 1.5 दिया है, कांच का जो अपवर्तनांक है वो 1.5 है आपको, ध्यान से देखिएगा। आगे क्या कह रहा है, इसके दोनों पृष्ठ की वक्रता त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर हैं, यानी अगले की भी और अगले की भी दोनों की वक्रता त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर है प्यारे बच्चों। तो हम R1 यहां प्लस 20 लेंगे और R2 जो है माइनस 20 सेंटीमीटर लेंगे प्यारे बच्चों, माइनस 20 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है लेंस की क्षमताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए जब इसे वायु में रखा जाए और जब इसे 1.25 अपवर्तनांक द्रव में क्या कर दिया जाए, डुबो दिया जाए। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये आपका N1 हो सकता है, अगला N2 जो है वो 1.25 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया जा रहा है। तो जब हम द्रव में नहीं डुबोए थे, तो ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, जब द्रव में नहीं डुबोए थे तब क्षमता थी P, और जब द्रव में डुबो दिए और जिसका अपवर्तनांक 1.25 है तो उसकी क्षमता क्या होगी, आपको अनुपात बताना है प्यारे बच्चों। क्या बताना है, अनुपात बताना है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो हम बिल्कुल आसान तरीके से सवाल लगाएंगे, एकदम मक्खन वाले सवाल में। सबसे पहले सवाल समझिए, ये कोई उभय उत्तल है प्यारे बच्चों, ये उभय उत्तल है, उभय उत्तल के लिए इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R2 है और इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 है। तो गाइज R2 इस वाले की है, R1 इसकी है, तो R1 दाएं तरफ है इसलिए प्लस है, R2 बाएं तरफ है इसलिए माइनस है। यहां तक ये बात क्लियर होती है, ठीक। अब समझिए कि भैया जब हम इनको द्रव में नहीं डूबोए थे तब का अपवर्तनांक 1.5 है, तब उस समय इसकी क्षमता थी P, और जब हम इसको द्रव में लेके गए डुबो दिए तब क्षमता हो गई P-। अब हम P और P-  की वैल्यू निकालेंगे तब तो अनुपात निकाल पाएंगे ना प्यारे बच्चों। तो आइए हम हल करते, आराम से हल करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे जब हम इनको द्रव में नहीं डुबोए थे, तो नॉर्मली जब रखा गया था तो तरल पतल लेंस मेकर सूत्र से, लेंस मेकर सूत्र से। अब गाइस लेंस मेकर सूत्र क्या कहता है, ध्यान से देखिए, लेंस मेकर सूत्र कहता है 1/f बराबर n-1 कोष्टक में 1/r1-1/r2, यहां तक क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखिए, n का मान आपके पास है प्यारे बच्चों कितना है, ये देखिए। अब यहां पर अगर एक चीज आप देख पा रहे होंगे तो वो क्षमताओं का अनुपात पूछा है। हम जानते हैं प्यारे बच्चों कि चूंकि जो 1/f होता है वो P के बराबर होता है प्यारे बच्चों, तो क्या हम इसको हम P लिख सकते, बिल्कुल रख सकते।
एन, एन की वैल्यू कितनी है 1.5 माइनस वन, कोष्टक में 1/r1 माइनस 1/r2, समीकरण नंबर एक। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए भाई। अब इसी प्रकार जब द्रव में डुबो देते हैं, जब द्रव में डुबोते हैं, द्रव में डुबोने पर क्या करते हैं, द्रव में डुबोने पर, द्रव में डुबोने पर, तो जब द्रव में डुबोएंगे तब इसकी जो फोकस दूरी है वो एफ डैश हो जाएगी बराबर। अब देखो भैया, पहले कितना था पर्तनांक एन वन, तो 1.5, अब डुबो दिए तो 1.25 हो गया उसका पर्तनांक, फिर माइनस वन, और फिर उसके बाद 1/r1 1/r2 हो गया। अब जो ये 1/f' है ये p' डैश के बराबर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए पॉइंट, अब हम इनको हल करेंगे, इनको जब हम हल करेंगे तो आएगा 1.5 माइनस 1.25 बटे 1.25, भिन्न का घटाना, फिर आ जाएगा प्यारे बच्चों 1/r1 माइनस 1/r2, समीकरण नंबर दो। अब अनुपात निकालना है तो हमको भाग देना पड़ेगा, तो अनुपात निकालने के लिए हम लोग भाग दे देते हैं, तो समीकरण 1/समीकरण 2, समीकरण 1/समीकरण 2 से। तो गाइस ध्यान से देखिएगा, अब समीकरण एक आपका क्या है, ये है p, और समीकरण दो कौन है, p डैश है, ठीक, p डैश, ठीक। अब इसकी वैल्यू है आपका 1.5 माइनस 1, तो ध्यान से देखिएगा गाइस, 1.5 में से 1 माइनस कर दोगे तो 0.5 आएगा, ठीक, पूरे के बटे। अब यहां से 1.5 है तो 0 घटा दिया जाए, यहां 0 लगा दे तो 1.5 हो जाएगा, 1.5 में से अगर हम इनको घटाएंगे तो 10 में से घटाएंगे 5 और यहां बच जाएगा 4, 4 में से 2 घटाएंगे 2 और 1, मतलब कहने का मतलब नीचे आएगा 0.25 इनको घटाने पे, 0.25 बटे 1.25, ये वाला, ठीक। फिर पूरे के बटे कितना है, यहाँ p के लिए भी 1/r1 है माइनस 1/r2, और p डैश के लिए भी 1/r1 माइनस 1/r2 हो गए, ठीक। ये टोटली पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चों, और p/p' ये ऊपर जाएगा तो 0.5 गुड़े 1.25 पूरे के बटे 0.25, ठीक। अब देखिए, ये पॉइंट कटाएंगे तो बटे 10, ये पॉइंट कटाएंगे तो बटे 100 हो जाएगा, ये पॉइंट कटाएंगे तो ऊपर बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चों, 5 × 5 = 10 हो जाएगा। अब ये 25 × 5 कितना हो जाएगा, 125, तो कितना आ गया भाई, p/p' बराबर कितना हो जाएगा, 5/2। अगर अनुपात चाहिए तो p/p' बराबर 5/2, ये इसकी क्षमताओं का क्या आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा। एक बार हम लोग आंसर इसकी ज़रूर मैच कराएंगे जी, बिल्कुल आया है प्यारे बच्चों 5/2। इसी को हम लोग आराम से अगर हल करना चाहें तो इसे हम लिख सकते थे, कटा सकते थे, तो 2.25 आता तो भी हो जाता, ये भी आपका आंसर क्या है, सत्य है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों चौथा नंबर कंप्लीट होता है। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा प्यारे बच्चों, और अगर आपको सवाल ये समझ में आ रही होंगी, ऐसे सवाल लगाने में मजे आ रहे होंगे, तो भी आप प्यारा से कमेंट कीजिएगा, सर इस टॉपिक पर आप एक सवाल, इस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए, इस टॉपिक पर न्यूमेरिकल का क्लास बना दीजिए, तो वो भी आपको बना दिया जा सकता है प्यारे बच्चों। परंतु अगर अभी तक आपने ये वीडियो दोस्तों के पास नहीं शेयर किया तो तुरंत शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा प्यारे बच्चों। चलिए अब हम आगे के सवाल को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस आपको पांचवां सवाल आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, क्या करा, एक अवतलोत्तल, मतलब प्यारे बच्चों यहां पर अवतलोत्तल का मतलब होता है कि एक अवतल पृष्ठ होगा, एक अवतल होगा और एक क्या होगा प्यारे बच्चों, उत्तल होगा, यानी आप समझ पाए, यानी एक पृष्ठ अवतल होगा और अगला पृष्ठ क्या हो जाए, उत्तल हो जाए, तो अवतलोत्तल का मतलब होता है इस प्रकार, ठीक, इस प्रकार ना, या तो ये ऐसे नहीं, दोनों अवतल हो जा रहे हैं, एक अवतल और एक उत्तल, तो इसको समझने के लिए हम लोग ऐसे कर लेते हैं, ऐसे लगभग इस प्रकार का डायग्राम बन रहा है, एक अवतल और एक उत्तल।
जिसमें अवतल तथा उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्याएं 1.5 और 10 सेमी है। इस बात को ध्यान दीजिए। तो अवतल लेंस, जो अवतल है, ये जो अवतल है इसकी भी वक्रता त्रिज्या इधर ही होगा, और जो प्यारे बच्चों उत्तल है उसकी भी वक्रता त्रिज्या इधर ही होगी। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो अवतल की भी वक्रता त्रिज्या इधर, उत्तल की भी। जैसे हमने कहा प्यारे बच्चों कि अगर इसकी वक्रता त्रिज्या आर वन इधर है, तो अगले की भी जो वक्रता त्रिज्या होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वो भी आर टू भी इधर ही होगी। तो ये आर टू हो जाएगा, ये आर वन हो जाएगा। तो इसलिए दोनों दूरियां ऋणात्मक होंगी प्यारे बच्चों। तो लेंस की वक्रता त्रिज्या आर टू इक्वल टू कितना दिया है प्यारे बच्चों, 30 सेंटीमीटर। कितना दिया है, सॉरी 10 सेंटीमीटर। कितना है, 10 सेमी। तो ये भी आपका माइनस हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा। कांच का अपवर्तनांक प्यारे बच्चों, आगे कह रहा है यदि कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक एन वन मान लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, कांच का जो अपवर्तनांक है वो एन वन, और एन वन की वैल्यू कितनी है, 1.5। ये आपको दिया है। आगे कह रहा है यदि हम इसे किसी द्रव में डुबो रहे हैं, क्या कह रहा है, द्रव यानी किसी इस लेंस को द्रव में रखे जाए, तो द्रव का अपवर्तनांक दिया है, द्रव का अपवर्तनांक। तो द्रव का जो अपवर्तनांक है वो N2 से व्यक्त कर रहे हैं हम लोग, 1.7 है। आगे कह रहा, तो गणना लेंस का वायु तथा द्रव में फोकस दूरियां, यानी लेंस की वायु में फोकस दूरी, लेंस की वायु में फोकस दूरी, फोकस दूरी मान लेते हैं एफ ए, ए मतलब एयर, ठीक, और लेंस की द्रव में फोकस दूरी, किस में प्यारे बच्चों, द्रव में फोकस दूरी, तो उसे हम लोग मान लेते हैं एफ एल, एफ डब्लू, डब्लू हो सकता है वाटर, हो सकता है लिक्विड, हो सकता है कुछ भी कह सकते हो प्यारे बच्चों। तो हम इन सभी सवालों को लेंस मेकर सूत्र से ही लगाएंगे। तो आइए हम बात कर लेते हैं वायु में फोकस दूरी की, किसमें, वायु में, लेंस की वायु में फोकस दूरी। तो इसके लिए प्यारे बच्चों हम फार्मूला क्या लगाएंगे, 1/f = n-1 कोष्टक में 1/r1 - 1/r2। ठीक, अब ध्यान से, 1/f हमको पता नहीं है, n की वैल्यू पता, 1.5 - 1, यहाँ एन वन होता, हाँ, अब 1/r1, तो 1/r1, r1 की वैल्यू प्यारे बच्चों -15 है, और -r2 की वैल्यू कितनी, -10 है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब हम अगले स्टेप में बढ़ेंगे यहाँ पर सवाल में। देखिए अगला स्टेप क्या है, 1/f बराबर 1.5 में से 1 घटा देंगे तो 0.5 आ जाएगा। आगे 1/f, अब इनको हल करते हैं, देखिए इनको हल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 15 और 10 का लसप 30 आएगा प्यारे बच्चों, 15 और 10 का लसक कितना आएगा, 30 आएगा। तो 15 × 30 तो 2 बार जाएगा, 2 × 1 = 2, तो -2, अगला 3 आ जाएगा, अगला क्या आ जाएगा, 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो 0.5 × 1/30 कितना आ जाएगा, 30, पॉइंट कटा के बटे 10, 5 × 5 = 5, 5 × 6 = 30 हो जाएगा। तो 10 × 6 = 60, 1/60 और 1/f क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यह बराबर आ गया 60 सेंटीमीटर। यानी प्यारे बच्चों जब हमने क्या कहा, जब लेंस वायु में रखा गया था तब की फोकस दूरी 60 सेंटीमीटर है। केस नंबर 2, जब लेंस को द्रव में रखा गया, जब लेंस द्रव में रखा हो, कहाँ रखा हो प्यारे बच्चों, द्रव में रखा हो, तब फोकस दूरी क्या होगी, तब फोकस दूरी मान लेते 1/f
बराबर क्या होता है n1 बटे n2 माइनस 1, यही बदलाव होता है प्यारे बच्चों। किसी भी माध्यम में रखा रहेगा उसको पहले वाले माध्यम से दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक से भाग दे देंगे बस, और फिर यहाँ आ जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक यही होगा 1/r1 माइनस क्या हो जाएगा 1/r2। अब अगर आप देख पा रहे होंगे प्यारे बच्चों तो n1 की वैल्यू आपको दी गई है। देखिए n1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर अगर देखिए तो n1 की वैल्यू आपके पास 1.5 है और n2 की वैल्यू 1.7 माइनस 1। और गाइज इतना टोटल आप लोगों ने हल किया यहाँ पर आके तो 1/30 आया, तो हम डायरेक्टली 1/30 इसको रख रहे हैं। इतना टोटल आपने यहाँ हल किया ना ये सब रखकर तो 1/30 आ गया। अगर गाइज हम बात करें तो इनका ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा तो 17 उधर हो जाएगा, तो 15 माइनस 17 बटे कितना हो जाएगा 17 और गुणे क्या हो जाएगा 1/30 हो जाएगा। ठीक 15 में से 17 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक माइनस के साथ यहाँ 17 यहाँ 1/30 तो 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 आ जाएगा। अब 15 और 17 का गुणा कर देते हैं तो प्यार बच्चों 15 और 17 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा वो देख लेते हैं, तो 15 और 17 का गुणा करते हैं तो 255 आते हैं, 1/f क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ डैश बराबर 255 माइनस में सेंटीमीटर, यानी जब आप लेंस को द्रव में डुबो देते हैं तब की फोकस दूरी ये है FL माने थे ना, तो FL यहाँ L यहाँ L, तो FL बराबर आपका माइनस 255 सेंटीमीटर और FA जब वायु में रखे थे तब की जो फोकस दूरी है वो कितना है 60 सेंटीमीटर। इस प्रकार प्यारे बच्चों आप सभी सवालों को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ये रहा आपका 5वां नंबर सवाल, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, फिर हम आगे की सवाल को कंटिन्यू करने वाले हैं। 6ठा वाला प्रश्न आपको स्क्रीन पेज पे दिखाई पड़ रहा होगा जो कि 2011 और 2009 में पूछा गया प्यारे बच्चों, तो आइए हम उन सवाल को देखते हैं। क्या करा है, एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, लेंस के पदार्थ के वायु के सापेक्ष का अपवर्तनांक 1.5 है, यदि इस लेंस को वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.6 वाले द्रव में डुबो कर रखा जाए तो उसकी प्रभावी फोकस दूरी कितनी होगी। तो कितना बेहतरीन सवाल है प्यारे बच्चों, ऐसे सभी सवाल अभी आप लोगों ने लगा के आए हैं, तो आइए हम देखते हैं क्या इसको लगाया जा सकता है। क्या करा कि एक उत्तल लेंस का मतलब है प्यारे बच्चों एक उत्तल लेंस ऐसे हो गया, ठीक। अब ध्यान से अगर देखेंगे तो भैया हम कह सकते हैं कि इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ये होगी R1 और अगले वाले पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या होगी वो R2 होगी, तो यानी R1 आपका प्लस होगा और R1 कितना है भैया 15 सेंटीमीटर है और R2 जो है वो आपका कितना हो जाएगा माइनस 30 सेंटीमीटर। ये लेंस के पदार्थ के वायु के सापेक्ष यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक अर्थात ANG जिसे हम लोग N1 कहते थे, N1 इक्वल टू कितना है 1.5 है, ठीक। यदि इसे लेंस को वायु के सापेक्ष 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबो दिया जाए यानी ANL, समझ पा रहे हैं। यहाँ एक चीज़ कहा प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, क्या कर रहा है कि लेंस को वायु के सापेक्ष 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबो कर रख दिया जाए मतलब ANW मतलब वाटर माने द्रव रख दिया जाए, इसका मान 1.6 है जिसको हम लोग N2 दिखाते थे प्यारे बच्चों, तो उसकी फोकस दूरी, तो गाइस जब हम वायु में रखे थे तब इसकी फोकस दूरी एफ मान लेते हैं और जब इसमें रख दिए द्रव में तो फोकस दूरी मान लेते हैं एफ डैश। तो देखते हैं क्या आता है, तो जब लेंस कहां पर था वायु में था, जब लेंस वायु में रखा है तब जो फोकस दूरी होगी 1/f बराबर क्या होगा n-1 कोष्टक में 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक। अब 1/f की वैल्यू नहीं पता है परंतु n की वैल्यू है 1.5 माइनस 1
यहाँ वन अपान आर वन, आर वन की वैल्यू कितनी है 15 है, आर टू की वैल्यू कितनी है -30, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, एक बटे यफ, 1.5 में से एक घटाएंगे प्यारे बच्चों तो 0.5 आ जाएगा, 15 और 30 का लसा पलेंगे तो 30 आएगा, 15 दूना 30 तो 2 और 30 31 तो यहाँ 1 आ जाएंगे ठीक। तो 1/f बराबर 0.5, 2 1 कितने हो गए प्यारे बच्चों 3/3 कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, 3 1 3 3 10 30 ठीक। तो 1/f बराबर पॉइंट कटाएंगे तो 10 लग जाएगा, 5/10 गुणे 3/10, 5 1 5 5 2 10 तो 10 2 20 यहाँ 3/ कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो 1/f बराबर कितना आ जाएगा 3/20, 3/20 ठीक। अब f ऊपर जाएगा तो 3 नीचे आएगा, 20 ऊपर जाएगा तो f बराबर क्या हो जाएगा, f बराबर हो जाएगा 20/3, भाग देंगे तो 6.66 आता जाएगा, तीस हम 6.67 मान लेंगे या तो टोटली मान लें तो 6.7, तो f की वैल्यू जो होगी वो 6.7 सेंटीमीटर होगा जब लेंस y में रखा गया था। अब जब लेंस किस में रख दिया गया, द्रव में, जब लेंस किस में रख दिया गया, द्रव में। तो केस नंबर दो, केस नंबर दो में क्या है, जब लेंस द्रव में डुबो दिया गया, द्रव में डुबो कर रख दिया गया, डुबो कर रख दिया गया, रख दिया गया ठीक। तब क्या होगा, तब जो फोकस दूरी होगी प्यारे बच्चों वो 1/f मान लेते हैं बराबर। मैंने कितनी बार बोला कि पहला जो अपवर्तनांक है प्यारे बच्चों वो आप रखिए n1/n2, n2 कितना है, n2 कितना 1.6 है ठीक, -1 कोष्टक में 1/r1, तो r1 की वैल्यू जो है प्यारे बच्चों वो कितनी है भाई 15 है, और r2 ठीक आइए रखते हैं हम ध्यान से देखिए। तो 1/f बराबर, अब यहाँ हम हल करते थे ये पॉइंट पॉइंट कट जाएगा, तो 15 16 का गुना इधर हो जाएगा 16 -16 आ जाएगा ठीक। अब r1 और r2 की वैल्यू, तो प्यारे बच्चों अभी हम लोगों ने r1 और r2 की वैल्यू हल किया था, यहाँ यही सेम टू सेम आने वाला है, 3/ कितना आ जाएगा 10, यानी मिला जुला 3/10 आएगा, तो ये डायरेक्टली हम लोग हल कर दे रहे हैं तो 3/ क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। 15 में से 16 घटा दिए तो भैया 1 -1 आया 16, और ये 3/ कितना 10, तो कुछ तो कैंसिल होने वाला नहीं प्यारे बच्चों, तो 3 1 3 और 16 10 160 ठीक। 1/f यफ डैश ऊपर जाएगा तो ये 160 भी ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा, तो कैंसिल करेंगे तो 3 5 15 आ जाएगा प्यारे बच्चों, 1 बचेगा फिर 3 3 का 9 फिर वही 53.3 आएगा लगभग, तो एफ डैश की जो वैल्यू है -53.3 सेंटीमीटर। इस प्रकार प्यारे बच्चों जब आप लेंस में डुबो, लेंस को द्रव में डुबोगे तब की फोकस दूरी, और जब आप लेंस को वाय में रखोगे तब की फोकस दूरी है, एक बार आप इसका आंसर जरूर मिलाइएगा। तो जो इसकी फोकस दूरी आई है प्यारे बच्चों वो बिल्कुल करेक्ट आया है, आपका आंसर यही आया है, एफ डैश इक्वल टू इतना और एफ इक्वल टू इतना। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं ठीक। फिर हम जो अगला सवाल है प्यारे बच्चों वो सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है इसको, तो आपने अगर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो हम इसको मूव करते हैं फिर आगे के क्वेश्चन को चर्चा करते हैं। तो गाइस सातवां जो प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच के एक उत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, मतलब यहां प्यारे बच्चों आर दिया, प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, मतलब आर दिया है प्यारे बच्चों 10 सेंटीमीटर। और ये भी सवाल आपका बहुत बेहतरीन है, आगे क्या करा, n1 3/2 अपवर्तनांक वाले, यानी n1 की वैल्यू भैया 3/2 है, आगे क्या करा प्यारे बच्चों, जब हम लेंस के दोनों ओर 4/3 अपवर्तनांक का माध्यम रख देते हैं, यानी n2 बराबर कितना दे दिया प्यारे बच्चों 4/3 ठीक। तो क्या करा, लेंस के प्रकाशी केंद्र से बाईं ओर 20 सेंटीमीटर दूर
20 सेंटीमीटर दूर रखी हुआ लेंस, यानी जैसे क्या कर रहा है कि अगर ये कोई उत्तल लेंस है प्यारे बच्चों, इसके बाई ओर यानी इधर इधर कोई वस्तु रखा गया है और वस्तु की दूरी कितनी है भैया 20 सेंटीमीटर, कितना है 20 सेंटीमीटर, तो U की वैल्यू दे दी गई भैया 20 सेंटीमीटर। इसको हटा देते हैं, इनका कोई काम नहीं है, केवल समझाने के लिए दिया गया था। तो U इक्वल टू कितना प्यारे बच्चों 20 सेंटीमीटर है। तो आगे कह रहा प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की स्थिति अर्थात V ज्ञात करना। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था प्यारे बच्चों, पतले लेंस के लिए सूत्र का फार्मूला पढ़े थे, N2 बटे V माइनस N1 बटे U बराबर N2 माइनस N1 बटे R, ये फार्मूला पढ़े थे। तो आइए हम इस फार्मूले की मदद से हम इनको हल कर लेते हैं। तो N2, N2 की वैल्यू कितनी है भैया 4 बटे 3 है, V आपको ज्ञात करना है, और माइनस N1, N1 कितना है भैया 3 बटे 2, 3 बटे 2 गुड़े U की वैल्यू 20 है, ठीक 2 गुड़े U रख देते हैं बराबर। N2, N2 की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, N2 की वैल्यू 4 बटे 3 है, माइनस N1, N1 की वैल्यू 3 बटे 2 है, और पूरे के बटे R, R की वैल्यू कितनी है 10 है, ठीक इसको हल करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 4 बटे 3 V, यहाँ आ जाएगा 3 बटे 2 U बराबर, इधर आ जा U की वैल्यू, सॉरी U की वैल्यू रख देते हैं, U की वैल्यू कितनी है 20 है, ठीक। और इधर तीन और दो का लसा लिए तो छः, तीन दूनी छः तो दो चौके आठ, दो त्याई छः तीन त्रिक्का नौ, दो त्याई छः तीन त्रिक्का नौ, और ये गुने क्या आ गया 10, ये वाला 10। अब देखिए 4 बटे 3 भी, यहाँ माइनस 3 बटे कितना आ जाएगा 40, उधर 8 में से 9 घटाएंगे माइनस 1 छः धम्मा 60। अब ये माइनस वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 4 बटे 3 भी बराबर माइनस 1 बटे 60, ये उधर गया तो प्लस 3 बटे क्या आ गया 40 आ गया। 60 और 40 का लस है, 60 और 40 का लस है, तो आइए इधर नहीं दिख रहा होगा तो आपको इधर देखते हैं हम लोग। तो 4 बटे 3 भी बराबर 60 और 40 का लस पर कितना आएगा फिर बच्चों सोचिए 120, 60 और 40 का लस पर कितना आ जाएगा 120, ठीक। तो 60 दूनी 120 तो 2 इक्के 2 माइनस 2 प्लस 40 तिया 120 तो 3 त्रिक्का 9, 9 में से 2 घटा दिए 7 बटे कितने आ गया 120, ये 4 बटे 3 भी। अब देखिए कैंसिल कीजिए 3 इक्के 3 4 तिया 12 ये 40 आ जाएगा, ठीक। अब आपके पास क्या आ गया 4 बटे वी बराबर 7 बटे 40 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7 वी और 40 चौके 160, ठीक। अब वी इक्वल टू 160 बटे 7 भाग दे दीजिए, तो 7 दूनी 14 बचा कितना प्यारे बच्चों 2, आगे 7 दूनी 14 फिर बचा मतलब 22.2, ठीक। तो वी की वैल्यू आ गई, मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो 22.2 सेंटीमीटर दूर पे बनेगा प्यारे बच्चों। एक बार आप इसका आंसर जरूर मैच कराइएगा जी, बिल्कुल आपका जो आंसर है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आया प्यारे बच्चों, 22 लगभग 2 या जो भी हो तो लगभग 22 भाग देंगे तो 22.8 आएगा ना, तो 22.8 सेंटीमीटर बनेगा लगभग, हम कह दें तो V बराबर 23 सेंटीमीटर दूर पर प्रतिबिंब प्राप्त होगा। और ये जो प्रश्न है प्यारे बच्चों वो किस सत्र में पूछा गया जानते हैं, 2018 में यूपी बोर्ड 2018 में ये क्वेश्चन 3 मार्क का पूछा गया। तो भैया ऐसे क्वेश्चन आपको भूलना नहीं प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब सवाल हैं ये सब, ठीक। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है कि प्यारे बच्चों जितनी सवाल हमने अभी तक बताया है, जितने सवाल हमने जिस टॉपिक पे बताए वो सभी सवाल आपके क्लियर हो गए होंगे। और ये भी आशा करता हूँ प्यारे बच्चों कि अगर ऐसे टॉपिक पर आधारित अगर न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है तो आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप वीडियो देखें और इन्जॉय कीजिए। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत।